सब्सक्राइब करिए टेकियास यूट्यूब चैनल को, साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेकियास यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर गेमिंग रिव्यू ऑफ इन्फिनिक्स स्मार्ट 2। और देख लेते हैं यहाँ पर ये फोन कैसे परफॉर्म करता है गेमिंग में। आपको सबसे पहले तो बता दूं, ये कोई बहुत महंगा फोन नहीं है, 6000 का फोन है। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसके गेमिंग एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर जज करना, ऐसा मत बोलना कि यार पबजी वगैरह ये गेम में खेल के दिखाओ। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास इन्फिनिक्स स्मार्ट 2, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ने बोले थे कि भाई गेमिंग टेस्ट यहाँ पर इसका करो। सो गेमिंग टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का 6739 का चिपसेट, साथ में जो GPU है वो आपको यहाँ पर पावर VR GE8100 का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो इसका प्रोसेसर है 1.5 GHz पे क्लॉक कराया गया है। अब यहाँ पर गेमिंग टेस्ट में मैं यहाँ पर सबसे पहले खेलूँगा सबवे सर्फर, टेम्पल रन 2, फिर डेड ट्रिगर 2, उसके बाद में असफाल्ट एक्सट्रीम यहाँ पर हम खेल के देखेंगे और कैसा परफॉर्मेंस मिलता है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। यहाँ पर है हमारा पहला गेम यहाँ पर लिस्ट का, सबवे सर्फर। ये बहुत ही पॉपुलर गेम है और आप बोल सकते हो बहुत हैवी गेम नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर ये स्मार्ट 2 में कैसे वर्क करता है। सो जैसे कि देख सकते हो, अभी यहाँ पर मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप्स या लैग देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस है आप बोल सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इसे रन कर रहा है। सो गाइस, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है, अगर आप सबवे सर्फर खेलना पसंद करते हो अपने बजट सेगमेंट के डिवाइस में, तो डेफिनेटली आप स्मार्ट 2 में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल सकते हो। सेकेंड गेम यहाँ पर हमारी लिस्ट में है टेम्पल रन 2। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये आप बोल सकते हो बहुत छोटा गेम भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, बट यहाँ पर जो ग्राफिक्स वगैरह है वो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं आपको गेम प्ले बता देता हूँ कैसा आपको स्मार्ट 2 में टेम्पल रन 2 का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप गाइस यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर देख रहे हो आप टेम्पल रन खेलने के भी शौकीन हो तो डेफिनेटली आप स्मार्ट 2 में आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, जो थर्ड गेम है हमारे लिस्ट का, आप बोल सकते हो मिड हैवी गेम है। यहाँ पर ये नाम, गेम का नाम है डेड ट्रिगर 2। और यहाँ पर आप देख सकते हो, सो फार सो गुड, यहाँ पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस है अभी के लिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है डेड ट्रिगर 2 में भी, यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 में। टच रिस्पॉन्स भी यहाँ पर अच्छा है जैसे कि आप देख सकते हो। तो यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डेड ट्रिगर 2 इसमें इतना अच्छे से चलेगा, बट यहाँ पर जो डेड ट्रिगर 2 है वो भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको खेलने का मिल जाएगा। और जो डिस्प्ले भी है वो भी ठीक लग रहा है और यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है वो भी बहुत ही यहाँ पर बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो आप अगर डेड ट्रिगर 2 खेलने के शौकीन हो तो वो भी आप यहाँ पर स्मार्ट 2 में खेल सकते हो। सो गाइस, जो लास्ट गेम है हमारी लिस्ट का वो है असफाल्ट एक्सट्रीम। आप बोल सकते हो बेसिकली ये हैवी टाइप का गेम है असफाल्ट यहाँ पर एक्सट्रीम जो निकला, आप सभी को पता ही होगा। और यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये लो सेटिंग्स में मैं खेल रहा हूँ, हैवी और मीडियम में ये बराबर से नहीं चल रहा था, तो लो सेटिंग्स में देखते हैं यहाँ पर असफाल्ट एक्सट्रीम आपको स्मार्ट 2 में कैसा देखने को मिलता है। सो मैं बोलूँगा यहाँ पर जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो इतना स्मूथ तो नहीं है, बट आप बोल सकते हो प्लेबल है। अगर आपका यहाँ पर 6000 वाला वेरियंट भी परचेस करते हो तो यहाँ पर आप खेल सकते हो, बट बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहां पर गेम प्ले देख सकते हो,
सो डेफिनेटली आप असफाल्ड एक्सट्रीम भी यहाँ पर लो सेटिंग्स में खेल सकते हो, थोड़े बहुत आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर आप प्लेबल है, आप अच्छे से यहाँ पर इसमें खेल सकते हो। और बात रही यहाँ पर पबजी वगैरह की, बहुत से लोग पूछ रहे हैं पबजी चलेगा, तो पबजी वगैरह यहाँ पर ये डिवाइस में भाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप 6000 के डिवाइस में, और जो इसका GPU है वो भी इतना पावरफुल नहीं है। तो पबजी वगैरह यहाँ पर मैंने डाल के देखा था बट बहुत ज़्यादा अनप्लेबल जैसा था, तो मैंने वहाँ पर इसे अनइंस्टॉल कर दिया हूँ। और असफाल 8 वगैरह भी इसमें बहुत ही बढ़िया नहीं चलता है, बट असफाल एक्सट्रीम, डेड ट्रिगर 2, सबवे सर्फर, टेम्पल रन और जितने भी आप बोल सकते हो बेसिक गेम्स जो आते हैं वो आपको यहाँ पर इसमें जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये था यहाँ पर गेमिंग रिव्यू स्मार्ट 2 का। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए 6000 के हिसाब से अगर आप मिड गेमिंग करते हो, या जैसे कि आप मैंने 4 गेम बताया, इसके अलावा भी 50 MB के 100 MB के गेम्स अगर आप खेलना पसंद करते हो, डेफिनेटली ये डिवाइस में आप इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर हीटिंग इश्यूज की बात करें तो यहाँ पर वार्म हल्का सी यहाँ पर वार्म हुआ है, हीटिंग यहाँ पर नहीं हुई है, हल्का सी आप बोल सकते हो वार्म हुआ है, जरा सी है। और आई होप कि मेरी तरफ से आपको यहाँ पर ये गेमिंग रिव्यू पसंद आया होगा, और कमेंट करके नीचे बताना कि आपको रेडमी 5A अच्छा लगता है कि स्मार्ट 2 अच्छा लगता है, जरूर बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। आई होप कि मेरी तरफ से आपको यहाँ पर गेमिंग रिव्यू पसंद आया होगा, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।